हेलो फ्रेंड्स, हमने जो नेमराज सुंडा बुक एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। ये उसका थर्ड वीडियो है, तो इसको आप अच्छे से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज़ करें, क्योंकि एग्रीकल्चर के जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नेमराज सुंडा जो बुक है पर्टिकुलरली उसी से पूछे जाते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसकी जो थर्ड यूनिट है एग्रोनॉमी। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि एग्रोनॉमी है क्या। ठीक है, तो एग्रोस और नॉमस से मिला है, मतलब कि नॉमस मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, सॉयल एंड फील्ड मैनेजमेंट करना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं अपन। सबसे पहले माइक्रोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन माइक्रोराइजा किस किस के बीच में पाया जाता है, फंगस और जो रूट होती है हायर प्लांट के बीच में पाया जाता है। अब अपन देन बात करें कि बाम होता है वास्कुलर अरवास्कुलर माइक्रोराइजा, ये क्या होता है, फास्फोरस सोलबलाइजिंग है। ठीक है, फास्फोरस सोलबलाइजिंग इन प्लांट रूट। सीरियल्स आर डिफिशियंट इन विच एमिनो एसिड, तो देखो सीरियल्स में क्या होती है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी होती है। जबकि अपन बात करें जो अपने पल्सेस रहते हैं, लेग्यूम्स रहते हैं, उनमें क्या होती है, मिथियोनिन की कमी होती है, मतलब सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स की इनमें कमी पाई जाती है। पावर टिलर इज अ मोस्ट सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, जो पावर टिलर होता है वो पैडी में जनरली यूज होता है। देन मेट टाइप नर्सरी भी किस में यूज़ होती है, पैडी में यूज़ होती है। पल्टिंग किस में करते हैं, तो ये भी पैडी में करते हैं। और बात करते हैं अमोनियम पॉलीफॉस्फेट कंटेंट, अमोनियम जो पॉलीफॉस्फेट होता है 15% नाइट्रोजन होती है एंड 62% क्या होता है उसमें फॉस्फेट होता है। अब अपन बात करते हैं तो जो टीजेट टेस्ट है टेट्राजोलियम टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो जो सीड की बायबिलिटी चेक करने के लिए कि सीड डेड है कि वो है लाइव जीवित है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं टेट्राजोलियम टेस्ट, टीजेट टेस्ट बोलते हैं इसको, वाइबिलिटी के लिए करते हैं, वाइबिलिटी ऑफ सीड। इसमें फॉर्माजोन बनता है, ठीक है, लास्ट में वाइबल सीड्स में। तो इन वेट नर्सरी ऑफ राइस लेवल ऑफ वाटर इन द मेंटेन, देखो जब वेट नर्सरी का यूज़ करते हैं तो उसमें 5 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए, ठीक है, उसमें बना रहना चाहिए। द ऑप्टिमम डीप्थ ऑफ पडलिंग इन राइस, तो राइस में पडलिंग करने की डिप्थ कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर पडलिंग करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर अब्सॉर्ब बाय द, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो उसमें ओजोन लेयर द्वारा रोक ली जाती है, जिसके कारण पृथ्वी पर नहीं पहुँचती है। इसके कारण अगर ये पहुँचे तो इसके कारण जो स्किन कैंसर वगैरह की जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, अपन बात करें फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IERI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के पहले डायरेक्टर कौन से हैं, तो पहले डायरेक्टर डॉक्टर वी विश्वनाथ हैं। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन इन वीट, वीट में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज कौन सी है जिसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो 21 दिन बाद आती है अपनी CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। अपन बात करें झूम कल्टिवेशन मोस्टली फाउंड इन, तो जो भारत के जो ईस्टर्न स्टेट हैं जैसे कि अपन मणिपुर मिजोरम मेघालय वगैरह, उनमें ये झूम कल्टीवेशन ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का सस्टेन करना अपने लिए, ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, जो पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना अपने लिए। अब हम बात करें द प्लांट ग्रोइंग इन साल्ट वाटर इज नाउन एज ए हेलोफाइट्स, जो साल्ट में ग्रो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स। ठीक है, अपन बात करें द क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय, जो क्रॉप कैनोपी को जो अपन है उसको टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए अपन इंफ्रारेड थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, IR थर्मामीटर का। अपन बात करें तो रिक्लिमेटेशन डिसीज ड्यू टू द कॉपर के कारण रिक्लिमेटेशन डिसीज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस, तो ड्रॉट टॉलरेंस से संबंधित हार्मोन कौन सा है, एब्सेसिक एसिड है, मतलब AVA एस्पर्सिक एसिड, इसे जो एस्पर्सिक एसिड है इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक का कितना कंट्रीब्यूशन है GDP में, 29.7% कंट्रीब्यूशन है। हार्मोन यूज एज एन हर्बिसाइड, कौन सा हार्मोन है जिसे हर्बिसाइड के तौर पर यूज़ करते हैं, तो जो 2,4-D अगर 20 ppm से अपन ने ज़्यादा डाला तो वो एज ए हर्बिसाइड के तौर पर काम करता है। ठीक है, देन अपन बात करते हैं एलिमेंट अवेलेबल इन बोथ एनायन एंड कैटायन फॉर्म, तो जो अपना क्या नाइट्रोजन है वो एनायन और कैटायन दोनों में प्रेजेंट होता है। जैसे अपन देखो NO2- NO3-, ठीक है, नाइट्राइट नाइट्रेट ये क्या हुआ, एनायन हुआ, और कैटायन में जैसे अपन देखें अमोनियम आयन, ठीक है, ये क्या हुआ कैटायन वगैरह में। अपन डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन कौन सा हार्मोन है जो डोरमेंसी ब्रेक करता है, तो साइटोकाइनिन। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें रिंग वॉर्म डिसीज इज कॉज्ड बाय, द रिंग वॉर्म है जो अपन देखते हैं दाद वाद दाद वगैरह होती है, तो ये किसके कारण होती है, फंगस वगैरह के कारण। विंड विच इज अ कॉजेज रेनफॉल इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सी विंड रेनफॉल कॉज करती है, तो नॉर्थ ईस्ट की जो मानसून आता है अपना, ठीक है, तो उसके कारण उत्तर पूर्वी मानसून के कारण कहाँ पे तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक है, स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट कैन बी अचीव्ड बाय, देखो अपन ने बताया था कि स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, एब्सेसिक एसिड है, ठीक है, ABA, तो स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट्स, हार्डनिंग क्या होती है, मतलब उसको जो सीडलिंग स्टेज होती है उसी को थोड़ा अपन अनफेवरेबल एनवायरनमेंट थोड़ा वो करते हैं, जिससे कि जो प्लांट बनेगा वो क्या होगा अनफेवरेबल कंडीशन के प्रति रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत वो शो कर देता है, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेस हार्डनेंस एब्सेसिक एसिड के कारण। मैक्सिमम अलाउबल ब्यूरेट कंटेंट ऑफ यूरिया, देन मैक्सिमम अलाउबल ब्यूरेट कंटेंट इन यूरिया, यूरिया में जो हानिकारक तत्व कौन सा है, बाय यूरेट है,
वो 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कार्बन कंटेंट एंड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर कार्बन कंटेंट में कितना होता है 58%, ठीक है। नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर यूज्ड फॉर वीट, वीट में कौन सा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का यूज होता है तो एजेटो वैक्टर। सोरगम में कौन सा होता है एजोस्पाइरिलम। वर्टिकल मल्च इज यूज्ड इन सॉइल्स, कौन सी सॉइल्स में वर्टिकल मल्च का यूज़ किया जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल्स में, जिसमें ब्लैक कॉटन सॉइल्स में क्या होती हैं दरारें वगैरह पड़ जाती हैं तो उनमें इस वर्टिकल मल्च का यूज़ किया जाता है। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी इज गिवन बाय द अर्नॉन एंड स्टॉक ने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दी थी। द ऑप्टिमम स्पेसिंग ऑफ वीट, वीट में कितनी स्पेसिंग रहेगी 22.5 सेंटीमीटर, कहाँ से रो टू रो रखना, ठीक है, लाइन टू लाइन स्पेसिंग रखेंगे अपन। देन अपन बात करते हैं द नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वीट, वीट के कौन कौन से एरिया नॉन ट्रेडिशनल है भारत में। तो जो अपन ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया हुआ, वेस्ट बंगाल शायद, ये क्या है, ये अपने नॉन ट्रेडिशनल एरिया वीट कल्टीवेशन के। अपन राइस कल्टीवेशन की अगर देखें तो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज कौन कौन से हैं, तो इसमें पंजाब हरियाणा आ जाते हैं। मेजर फास्फोटिक फर्टिलाइजर नहीं मेजर फास्फोरस फर्टिलाइजर इन इंडिया कौन सा है, DAP डाइअमोनियम फॉस्फेट। वेरी फ्यू पुअर BPL पीपल आर इन, तो सबसे कम BPL वाले पीपल कहाँ पे हैं, पंजाब में। वेरी लार्ज नंबर ऑफ BPL धारी पीपल कहाँ पे हैं, बिहार में, बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब लोग भी देखने को मिलते हैं अपने लिए जो BPL वाले हैं, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर मोर सूटेड फॉर शुगर कैन, शुगर कैन में कौन सा बायो फर्टिलाइजर आप डालोगे तो एजोटोबैक्टर डालोगे। डीप ऑफ सोइंग ऑफ सोयाबीन सीड, सोयाबीन सीड कितने सेंटीमीटर होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। फर्स्ट वेराइटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस इन इंडिया, भारत में पहली राइस की विदेश से आयात की गई वेरायटी कौन सी थी, तो वो थी TN1 थाईचुंग नेटिव 1964-65 में अपने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। इंडियन मस्टर्ड को क्या बोलते हैं, ब्रैसिका जुनसिया बोलते हैं। देन अपन बात करें तो एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर कौन सा, मतलब जो फट जाए, ठीक है, मतलब उसके साथ अपने आग वगैरह की ये वो जुड़े रहते हैं, तो ठीक है अमोनियम नाइट्रेट है एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर। मोस्ट प्रोडोमिनेंट सॉइल ग्रुप इन इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडोमिनेंट सॉइल ग्रुप कौन सा है, एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है गंगा टेक जोन्स वगैरह नदियों द्वारा बहकर लाई गई सॉइल्स, ठीक है। इन SSP सल्फर कंटेंट, SSP में कितना सल्फर कंटेंट पाया जाता है, 12 सिंगल सुपर फास्फेट में 12% सल्फर पाया जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट इन इंडियन सॉइल्स, तो इंडियन सॉइल्स में कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट है, जनरली जिंक, और मैक्रो न्यूट्रिएंट में देखें तो कौन सा नाइट्रोजन आ जाता है। देन अपन बात करते हैं स्पाइक टूथ हैरो इज अ टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट, स्पाइक टूथ हैरो इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी इम्प्लीमेंट। स्पाइक टूथ जो हैरो है वो कैसा है, सेकेंडरी टिलेज है में यूज होता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी, एसिडिटी को अपन कैसे करते हैं लाइम के द्वारा, लाइम का होता है छारी होता है, छारी को डालेंगे तो अपन किसी में एसिड वाली चीज़ में तो क्या होगा न्यूट्रल होगी, तो इसके लिए अपन ये यूज करते हैं। और अगर छारी है सॉइल तो उसमें अपन क्या करेंगे जिप्सम वगैरह का यूज़ करते हैं। CN रेशियोज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, 10:1। दायरा कल्टीवेशन मेथड इज अ फॉलोड इन कोकरविट्स रहती है उनमें दियारा कल्टीवेशन फॉलोड किया जाता है, जो नदियां वगैरह रहती हैं उनके द्वारा जो सॉइल बहके ले जाती थी उसके नदियों के किनारे वगैरह ही करते हैं, ठीक है। दियारा कल्टीवेशन कोकरविट्स में जनरली किया जाता है, ठीक है। नेशनल सीड एक्ट पास्ड कब हुआ था, नेशनल सीड पास्ड 66 में हुआ था, लागू 68 में हुआ था। अपन बात करें नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कब आई थी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन आई थी 1963 में। देन अपन बात करें तो रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स कौन सा, कौन सा हार्मोन जो रूट को पढ़ाता है, ठीक है, रूट ज़्यादा निकलेंगी, तो इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। एक और बात आती है कि अपन अगर कैलस वो कल्चर कर रहे हैं, ठीक है, सेल कल्चर कर रहे हैं, तो अगर अपने के लिए उसमें रूट इनिशिएशन बढ़ाना है तो जो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और अगर अपने को कैलस कल्चर में अगर अपने को जो तना बनाना है तो तना शूट के लिए अपन वो करवाने के लिए तो उसमें अपने क्या होना चाहिए, साइटोकाइनिन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, ऑक्सिन कंटेंट कम होना चाहिए। देन अपन बात करें फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग हार्मोन, तो कौन सा हार्मोन जो फ्लावर और फ्रूट सेटिंग को बनाता है, मतलब कि जिसके कारण अपने जो फूल वगैरह भी होते हैं वो गिरते भी कम है और फ्लावर सेट अच्छे से होता है, ठीक है। नेफ्थेलिक एसेटिक एसिड, अपन बात करें तो बेंच टेरेसिंग इज डन व्हेन द स्लोप इज मोर देन, अगर 15% से ज़्यादा स्लोप है किसी एरिया में, ढलान 15% से ज़्यादा है, तो उस जगह पर कौन सी टेरेसिंग यूज़ करोगे आप, बेंच टेरेसिंग। 1 किलोग्राम मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, ये तो बल्क डेंसिटी होती है। देन अपन बात करें तो डिस्क प्लाउ इज यूज्ड व्हेन द सॉइल इज टफ, डिस्क प्लाउ का यूज़ कब करते हैं अपन, जब सॉइल टफ हो, ठीक है। फर्स्ट मैन मेड सीरियल कौन सी है, तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रखना। फर्स्ट मैन मेड है सीरियल है टिट्रिकल, टिट्रिकल किसका क्रॉस है, वीट इंटू राई, तो इसमें एक तो हेक्साप्लॉइड बनती है और एक ऑक्टाप्लॉइड बनती है। अगर अपन ने जो वीट ली है, वीट की स्पीसी ली है, टेट्राप्लॉइड ली है तो बनेगी हेक्साप्लॉइड, और अगर वीट की स्पीसी अपन ने हेक्साप्लॉइड ली है तो फिर क्या बनेगा, ऑक्टाप्लॉइड टिट्रिकल बनता है, ठीक है। तो अपन ये भी आ जाता है क्वेश्चन कई बार कि टिट्रिकल बनाया था किसने, था तो टिट्रिकल रिंपू ने बनाया था। जब अपन बात करते हैं तो चीपेस्ट नाइट्रोजन कंटेंट फर्टिलाइजर, तो यूरिया का फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया हाइड्रोलाइसिस, तो यूरिया हाइड्रोलाइसिस में बनने वाला सबसे पहले प्रोडक्ट कौन सा है, तो अमोनियम कार्बामेट सबसे पहले प्रोडक्ट बनता है। नावार्ड वाज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, तो शिव
रमन जो कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशंस पे नावार्ड की स्थापना की गई थी। अपन बात करें फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो एजेटोबैक्टर कैसा है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन वेक्टर नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। देन अपन बात करें तो जो द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड, जो मस्टर्ड होता है, जो ब्रैसिकेसी फैमिलीज के जो सदस्य होते हैं उनमें फ्रूट होता है, वो कैसा होता है, सिलिकुआ। द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नाउन एज अ सिलिकुआ। सप्लीमेंटल इरीगेशन इज नाउन एज ए, जो सप्लीमेंटल इरीगेशन करते हैं वो क्या होता है, लाइफ सेविंग इरीगेशन, मतलब कि फसल की जिंदगी बचाने के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। जब अपने पास पानी की कमी होती है अपन बस उसको लाइफ सेविंग इरीगेशन ही देते हैं, ठीक है। मेजर एग्रीकल्चर इंपोर्ट इन इंडिया इज एडिबल ऑयल। भारत में सबसे ज़्यादा आयात क्या किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा एडिबल ऑयल्स का आयात किया जाता है। अपन बात करें लूनीशिरी, लूनीशिरी क्या है, इज अ वेराइटी ऑफ सुपर राइस। लूनीशिरी क्या है, सुपर राइस की एक वेराइटी है, ठीक है। देन अपन बात करें प्लांट विथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर, जिस प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, मोनोसियस। देखो अपन बात करें जैसे कि मेज की बात करें, तो मेज में क्या होता है कि जो सिल्क और टेसल्स एक ही प्लांट पे अलग अलग जगह पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब पूरा फ्लावर ही अलग जगह पे। लेकिन अपन बात करें जैसे कैस्टर में, तो कैस्टर्स में क्या होता है कि एक ही इन्फ्लोरेंस पे अलग अलग पोजीशन पे पाए जाते हैं, ठीक है। देन अपन बात करें तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का है दिल्ली। देन अपन बात करें तो ब्यूट फोर्ट स्केल इज़ ए यूज टू मेजर, जो विंड फोर्स है उसको अपन मेजर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ब्यूट फोर्ट स्केल का यूज़ करते हैं। देन अपन बात करें डाईवैक ऑफ सूट्स अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कॉपर की डिफिशियंसी, जनरली डाईवैक देखने को मिलता है। और जो रोजर्ट जो देखने को मिलता है जो डिफिशियंसी सिम्टम्स, वो किसकी द्वारा मिलती है, जिंक की डिफिशियंसी से। अपन बात करें ग्रे स्पॉट्स ऑन लीव्स अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ग्रे स्पॉट्स किसकी कमी से आते हैं, तो मैग्नीज की कमी से ग्रे स्पॉट आते हैं। जीआरएफ में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अभी 2020 में भी आया था, ठीक है। तो देन अपन बात करें इंडियन सॉइल्स आर द मेनली डिफिशियंट ऑफ, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा डिफिशियंट है, तो नाइट्रोजन और माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिंक। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ शुगर कैन, शुगर कैन का सबसे हानिकारक रोग कौन सा है, तो रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, कोलिटोट्राइकम फाल्गेटम, ठीक है, इसका वो है। देन अपन बात करें तो पोटैटोज आर बॉर्न ऑन, पोटैटो कहाँ पे बॉर्न होते हैं, कहाँ पे लगते हैं, स्टोलेंस पे लगते हैं, ठीक है। पोटैटो ट्यूबर्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, पोटैटो आलू स्टेम का मॉडिफिकेशन है। शुगर कैन शोइंग इन ट्रांच मेथड टू प्रिवेंट लॉजिंग, देखो ट्रेंच मतलब गड्ढे खोद के जो अपन प्लांटिंग करते हैं वो किससे बचाते हैं, देखो कोस्टल एरियाज में जो लॉजिंग होती है मतलब कि बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो हवा ज़्यादा तेज चलेगी तो वो क्या होता है, शुगर कैन पूरी तरीके से आड़े हो जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए इनको क्या ट्रेंच में ट्रांच मेथड का यूज़ किया जाता है सोइंग के लिए। तो ये क्या लॉजिंग प्रिवेंट करती है, और ये कोस्टल एरियाज में जनरली यूज़ होता है जहाँ पे क्या हवाएं ज़्यादा तेज चलती हैं जिसके कारण उनका वो फसल आड़ी ना हो, ठीक है। फॉर द सीड पर्पज़ कैरेट इज अ ग्रोन एज अ बाई एनुअल, अगर देखो सीड को अपन खाने के लिए अगर लगा रहे हैं तो गाजर को, तो एक साल में उसकी फसल ले लेते हैं, लेकिन अगर अपन उसको सीड के पर्पज़ से लगा रहे हैं तो उसको सीड दूसरी साल में अपन लेते हैं, सीड टू सीड टू ईयर्स लगते हैं, ठीक है। बोरॉन इज अ हार्मफुल फॉर द प्लांट्स हैविंग कंसंट्रेशन, अगर 3 PPM से ज़्यादा बोरॉन अगर हो रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन, तो वो क्या प्लांट के लिए हानिकारक होगा। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अमंग सीरियल, कौन सी ऐसी सीरियल है जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, तो मक्के में क्या होती है सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है अपन वाले, तो जो एंटी ट्रांसपेरेंट, एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, जो ट्रांसपीरेशन को रोकने वाले रोकते हैं उनको बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। तो केओलिन बोल रहा है, केओलिन किस तरह का एंटी ट्रांसपेरेंट है, तो केओलिन है रिफ्लेक्टिंग टाइप का, और जो PMA है, PMA कैसा है, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का। अपन बात करें तो साइक्लोसोल, साइक्लोसोल क्या है, साइक्लोसोल एज ए ग्रोथ रिटार्डेंट, मतलब कि जो प्लांट की ग्रोथ को कम करता है, ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है। मतलब फैमिली ऑफ सिसमम, सिसमम की फैमिली कौन सी है, पेडिलियेसी। देन अपन बात करें तो फैमिली ऑफ जूट, टिलियेसी, देन इसको शायद मालवेसी में कन्वर्ट किया गया अभी। विच फैमिली ऑफ द क्रॉप इज अ मोर एग्जॉस्टिव, तो ग्रेमिनेस जो फैमिलीज हैं ये क्या है, मोर एग्जॉस्टिव हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ मेज क्या है, मेज की उत्पत्ति कहाँ हुई, मैक्सिको में हुई है डेफिनेटली। और चाइना में क्या हुआ है, सोयाबीन का ओरिजन हुआ। देन अपन बात करें तो टोबैको का ओरिजन क्या हुआ, मैक्सिको में हुआ है। हाईएस्ट एरिया ऑफ समर में, समर में सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगाई जाती है, बिहार में, ठीक है। इन इंडियन जनरल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इज अ पब्लिश्ड बाय, इंडियन जनरल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कहाँ से निकाला जाता है, ICR से निकाला जाता है, कृषि चयनिका, ठीक है, ये भी ICR से ही निकाली जाती है। फल फूल ये भी ICR से निकलता है, ठीक है। तो ये अपन मुख्य वो है अपने, येलोइंग ऑफ जो चाय की पत्तियों में येलोइंग होती है, लीव्स की बुकस की कमी कारण होती है, सल्फर की कमी कारण होती है। द ग्रीन हाउस गैस रिलीज्ड फ्रॉम द पैडी फील्ड, पैडी फील्ड से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है, तो वो कौन सी है, मेथेन गैस। देन मेथेन गैस द एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो में क्या खाते हैं, एडवेंटेशियस रूट खाते हैं, मतलब अपस्थानिक जड़ खाते हैं, ठीक है। कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डिटरमाइनिंग एज ऑफ, जो कार्बन डेटिंग टेक्निक अपन ने जो बायोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, तो फॉसिल्स जो रहते हैं अपने, ठीक है, अस्थियों के अवशेष वगैरह, ठीक है, उसका ये अपन
कितनी उम्र पता लगाने के लिए काम करते हैं। द इरीगेशन मेथड विच इज सूटेबल फॉर सेलाइन सॉइल्स, सेलाइन सॉइल्स में कौन सी मेथड सूटेबल होती है, तो फ्लडिंग मेथड है वो सूटेबल होगी। फ्लडिंग मेथड क्यों सूटेबल होती है, इसके पीछे कारण है कि देखो जो अपना जो कंटेंट है, जो आयंस है, ठीक है, वो क्या होंगे, लीच आउट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे फ्लड करेंगे तो अपन वो पानी के साथ नीचे बढ़ते जाएंगे, तो ये क्या हुआ, उस सॉइल्स के लिए अच्छी होगी, ठीक है। एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द डिसीज एंड ड्राउट रेजिस्टेंस, कौन सा एलिमेंट डिसीज और ड्राउट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो पोटेशियम। देन अपन बात करें एनिमल इन्वॉल्व इन द एनर्जी ट्रांसफर एंड स्टोरेज इन प्लांट्स, तो फास्फोरस संबंधित इससे। न्यूट्रिएंट आर टर्म्ड एज एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट्स, तो इसमें 16 न्यूट्रिएंट दिए बट 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ठीक है, जो अननोन एंड स्टूडेंट ने बताए थे। अभी के जो लास्ट में जुड़ा है वो कौन सा एंजाइम है, कौन सा न्यूट्रिएंट है, वो निकल है, जो किसके यूरियाज एंजाइम में जरूरी होता है। अपन पढ़े तो एपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय दी ऑक्सिन, ठीक है, एविना कर्वेचर टेस्ट किया था, ठीक है, FW1 ने, तो ये क्या है, एपिकल वर्ड डोमिनेंस दर्शाता है। हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर महाराष्ट्र में होता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सीरियल इन द वर्ल्ड, तो कौन सी सीरियल है जिसका वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वीट का। भारत में किसका होता है, पैडी का, ठीक है। सीड रेट ऑफ सोरगम, सोरगम का सीड रेट कितना है, 9 से लेकर 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। देन अपन बात करें तो डीसकरिंग इज अ प्रोसेस इन अ क्रॉप, कौन सी क्रॉप में डीसकरिंग की जाती है, तो तंबाकू में डीसकरिंग की जाती है। अपन तो बात पढ़ें द वीट विच हैज़ द फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो सबसे पहले कंट्रोल किसका किया गया, लेंटाना कैमराना का फर्स्ट वीट है जिसका बायोलॉजिकल कंट्रोल किया गया, क्रोसोडिसीमा लेंटाना द्वारा। किसके द्वारा, क्रोसोडिसीमा लेंटाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लें, इसमें नहीं दिया। बट स्टेट वेयर द सीड लॉ वाज अडॉप्टेड, कौन सा स्टेट है जहाँ पे सीड लॉ अडॉप्ट किया गया, तो कर्नाटक फर्स्ट स्टेट है जहाँ पे सीड लॉ अडॉप्ट किया गया। सॉइल मॉइस्चर टेंशन डायरेक्टली मेजर्ड बाय द, सॉइल मॉइस्चर टेंशन किससे अपन मेजर करते हैं, तो टेंसियोमीटर द्वारा मेजर करते हैं। अब अपन बात करें तो एवोपो ट्रांसपिरेशन मेजर्ड बाय द, एवोपो ट्रांसपिरेशन किससे मेजर किया जाता है, लाइसीमीटर द्वारा मेजर किया जाता है। पार्शियल फ्लेम इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वाटर फ्लो, पार्शियल फ्लूम हुए, वेंट्री फ्लूम हुए, इन सबका यूज अपन किसमें करते हैं, तो वाटर फ्लो में अपन मेजर करते हैं। फ्लडिंग इरीगेशन मेथड इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर राइस और टी में यूज़ किया जाता है इसका, फ्लडिंग मेथड का, ठीक है। जनरली फर्टिलाइजर एप्लीकेशन थ्रू इरीगेशन इज नाउन एज, देखो फर्टिलाइजर अगर इरीगेशन के साथ फर्टिलाइजर दे रहे हो तो फर्टिगेशन बोलेंगे, हर्बिसाइड दे रहे हो तो हर्बिगेशन देंगे, ठीक है, इस तरह से अपन पढ़ते हैं इनको। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस इन राइस फील्ड, तो राइस में कौन सी इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ लेंगे, तो इसका वीडियो अपलोड कर रखा मैंने, आप देख सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस फॉर सीरियल अकाउंट्स, 4-10% सीरियल्स में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कितना हो रहा है, 10%। सॉल्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, देखो सॉल्ट जो अपनी विंड इरोजन पड़ता है, अपन विंड इरोजन में तीन स्टेज होती हैं, सॉल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीपिंग, तीन होती हैं, ठीक है। इरीगेशन एफिशिएंसी ऑफ लोमी सॉइल्स, लोमी सॉइल्स में इरीगेशन एफिशिएंसी कितनी होती है, 70%, हाईएस्ट है, ठीक है। देन अपन बात करें इन सेलाइन सॉइल्स द मेथड ऑफ इरीगेशन कौन सी है, फ्लड इरीगेशन। सोइंग पैटर्न यूज्ड इन ड्राई लैंड, ड्राई लैंड में कौन सा सोइंग पैटर्न यूज़ किया जाता है, ड्राई लैंड में अपन कौन सा पैटर्न यूज़ करते हैं, तो अपन ड्राई लैंड में ब्रॉडकास्टिंग मेथड जनरली यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब के जो फसल के जो बीज हैं वो अपन क्या कर देते हैं, छितर देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन कौन सी है, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत आती है। एक्सटेंसिवली ग्रोइंग पल्स क्रॉप इन इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली कौन सी पल्स क्रॉप है, तो सीधी बात है चना होगी, ठीक है, चिकपी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर्ड बाय दी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपन किससे मेजर करते हैं, साइक्रोमीटर से। क्रॉप ग्रोइंग फॉर द कंजर्व सॉइल मॉइस्चर नाउन एज ए, कौन सी क्रॉप को ग्रो किया जाता है सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए, तो जो मल्च क्रॉप होती है उनको यूज़ किया जाता है सॉइल मॉइस्चर को कम करने के लिए, एवोपरेशन को रोकने के लिए, क्रॉप को ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ इरोजन परमिटिंग क्रॉप, देखो जो क्रॉप्स क्या होंगी, बड़ी होंगी, जिनके कारण जो पानी का जो डायरेक्ट आके वो सॉइल पे गिरेगा, तो उनके कारण वो इरोजन बढ़ाएंगी, तो इरोजन प्रमोटिंग क्रॉप कौन कौन सी हैं, तो मेज हुई अपनी, सोरगम हुई, पर्लमिनेट हुई, ये क्या है, इरोजन प्रमोटिंग है। बट अपन बात करें तो इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप कौन सी है, देखो काउपी, तो छोटी छोटी क्रॉप्स लगती हैं, मतलब जैसे काउपी हुआ अपना, सोयाबीन वगैरह हुआ, तो ये क्या छोटी छोटी रहती हैं, तो ये जमीन से सटे रहती हैं, तो इस कारण क्या क्या इरोजन को रोकती हैं। द हर्बिसाइड यूज्ड फॉर द प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में कौन सा हर्बिसाइड यूज होता है, फ्लू क्लोरेलिन, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ C4 बीट, C4 बीट कौन सा है, कॉमन लैम्प स्क्वाटर, जो कॉमन लैम्प स्क्वाटर है वो कौन सा है, C4 वीड है, ठीक है। द बॉटेनिकल नाम ऑफ टू रोड वारले, देखो वारले में अपन बात करते हैं तो टू रो वाली वारले होती है और एक छह रो वाली वारले होती है, तो छह रो वाली वारले होती है उसको बोलते हैं अपन हॉर्डियम वगैरह, और जो टू रो वाली होती है उसको बोलते हैं हॉर्डियम डिस्टिकॉन। जब अपन बात करें तो द नेम ऑफ द 6th रोड वाले हॉडियम वगैरह, द फर्स्ट एक्रेप, सबसे पहले एक्रेप किस पे खुला था, तो मेज पे खुला था 1957 में, जिसके कारण 1961 में 4 हाइब्रिड निकाले गए थे, गंगा 1, गंगा 101, दक्कन
और रंजीत, ठीक है। देन अपन बात करें तो व्हाट इज़ द ऑप्टिमम पॉपुलेशन फॉर बीटी कॉटन, बीटी कॉटन कॉटन की ऑप्टिमम पॉपुलेशन कितनी होती है एक हेक्टेयर में। तो एक हेक्टेयर में अपन बीटी कॉटन के 1000 प्लांट्स को जनरली लगाते हैं। तो देन बात आती है कि कितना सीड रेट यूज़ करोगे, अपन 1.5 किलोग्राम सीड रेट अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्रॉपसी डिजीज़ इन ह्यूमन बींग कॉज्ड बाय द बीच ऑफ द वीड, कौन सा डिसीज़, कौन सा जो वीड है खरपतवार जिसके कारण ह्यूमन में ड्रॉपसी डिसीज़ हो जाता है, ठीक है, आर्जिमोन मैक्सिकाना, ठीक है। देन अपन बात करें तो क्रॉप इज सूटेबल फॉर हैविंग pH 4-6, pH रेंज है 4 से लेकर 6, मतलब अम्लीय मृदा है, तो उसमें अपन कौन कौन सी क्रॉप्स अपन लगा सकते हैं। तो अपन सबसे अच्छी राइस के लिए अच्छी है, इसके बाद अपन देन टी के लिए बहुत अच्छी है, देन अपने लिए पटोटो के लिए इसमें लगा सकते हैं। अपन बात करें तो रेड हीमोग्लोबिन है रूट नोड्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, लैग हीमोग्लोबिन है, रेड हीमोग्लोबिन नहीं है, लैग हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, रिस्पॉन्स के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, मतलब कि जो जैसे कि अपने लिए क्या होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कैसी अनॉक्सी अवस्था चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो लैग हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को सेल से हटा देता है, ये उसका बात है। अपन एनुअल रेनफॉल इन राजस्थान, राजस्थान में एनुअल रेनफॉल कितनी है 575 mm, जबकि भारत की अगर पूरी ऑल इंडिया की अपन एवरेज देखें तो कितनी है 1196 mm। अपन बात करें तो एमिनोफिलिक प्लांट्स कौन से हैं, शुगर कैन एंड राइस कैन से हैं, एमिनोफिलिक प्लांट्स हैं, अमोनिया भी देते हैं, ठीक है। द कंट्री हैविंग 100% ऑफ द क्रॉप्ड एरिया अंडर इरीगेशन, कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे 100% एरिया क्रॉप्ड उसमें आता है इरीगेशन के अंतर्गत, इजिप्ट। कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरीगेशन एफिशिएंसी, तो कौन सी कंट्री है जिसकी हाईएस्ट इरीगेशन एफिशिएंसी है, तो इसराइल। कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया, कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा इरीगेटेड एरिया है, तो भारत। देखो अपन इजिप्ट में पढ़ा 100% क्रॉप्ड एरिया इज अंडर इरीगेशन, मतलब इजिप्ट छोटा सा देश है, और अगर एरिया की बात करें अपन तो एरिया भारत एक बहुत बड़ा देश है, अगर इसमें कम भी होगा तब भी एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया इंडिया। इन रिमोट सेंसिंग ऑप्टिकल वेवलेंथ कितने कितने से यूज़ करते हैं अपन, 0.3 से लेकर 10 यूज अपन इसमें करते हैं, ठीक है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप एंड यूज़ ऑफ हाइब्रिड, भारत सबसे पहले किसके अपन ने हाइब्रिड बनाए थे, तो बाजरा के बनाए, बाजरा का कौन सा हाइब्रिड है, HB1, शायद जो पंजाब में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बनाया गया था, ठीक है। क्रॉप हैविंग द मैक्सिमम एरिया अंडर इरीगेशन, कौन सी क्रॉप है जिसका मैक्सिमम एरिया है, तो वीट का, ठीक है। मोस्ट एक्सटेंसिवली फ्रूट ग्रोन क्रॉप इन द वर्ल्ड, फ्रूट की कौन सी है, मैंगो, उषा जायंत इज अ वेराइटी ऑफ बोथ परशीम की है। देन अपन आगे से बात करते हैं, एट इक्वेटर डे एंड नाइट आर ऑलवेज इक्वल, जहाँ पे क्या होते हैं डे और नाइट कहाँ पे इक्वेटर पे इक्वल होते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, जैसे जैसे अपन एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा डिक्रीज होगा। हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर एरियाज टू कूलर एरियाज इज अ क्लॉथ लाइन इफेक्ट, क्या होता है ये हॉरिजॉन्टल, मतलब कि क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर एरियाज टू कूलर एरियाज, मतलब क्षैतिज तौर पे कहाँ पे क्लॉथ लाइन इफेक्ट बोलते हैं इसको। वर्टिकल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर एरियाज टू कूलर एरियाज, अगर वर्टिकल हो रहा है मतलब कि ऊर्ध्वाधर, तो उसे बोलेंगे ऑइसिस इफेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, ऑइसिस इफेक्ट। द एंजाइम फॉर नाइट्रोजन रिडक्शन, नाइट्रोजन रिडक्शन के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, तो नाइट्रोजन इज एंजाइम यूज़ होता है। कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्शन, रिडक्शन नाइट्रेट रिडक्शन का कौन सा कंपोनेंट है, तो मोलिब्डेनम। मेजर और फील्ड क्रॉप्स रिक्वायर द ऑप्टिमम ग्रोथ इज 6.5 से लेकर 7 pH तक, जो क्या है ऑप्टिमम pH प्लांट ग्रोथ के लिए, इसमें डिफरेंट प्लांट्स ग्रोथ कर सकते हैं। कल्टिवेटेड क्रॉप्स मोस्टली आर एसिडिक इन नेचर, डीप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप इज नाउन एज, कितनी वाटर की डीप्थ उसको रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं डेलिया डेल्टा। एरिया इरीगेटेड बाय 1 क्यूसेक डिस्चार्ज ऑफ वाटर इज कॉल्ड ड्यूटी, पीरियड इन अ डे विच इज इरीगेशन इज सप्लाइड टू ए क्रॉप बेस पीरियड। रेंचिडिटी इन सनफ्लावर ऑयल इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, जो सनफ्लावर ऑयल होता है उसमें रेंचिडिटी किसके कारण होती है, जो तो ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑयल के, उस कारण रेंचिडिटी होती है। वेराइटीज ऑफ ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम की कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं, TN9, पंथ U19, फेमस वेराइटीज़ ऑफ मॉथवीन RMO40, मॉथवीन की वेराइटीज़ है। देन अपन बात करें तो इलाइट वेराइटीज़ ऑफ मूंगवीन, पूसा वैशाखी SMK 668, ये क्या है एलाइड वेराइटीज़ ऑफ मूंगवीन है। 0.1% सॉल्यूशन इन 500 लीटर ऑफ वाटर इज 500 ml, मतलब इसका तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 0.1% सॉल्यूशन इन 500 लीटर ऑफ वाटर इज 500 ml।
बायोक्लाइमेटिक लॉ प्रपोज्ड बाय द हॉपकिंस ने कौन सा लॉ दिया था? बायोक्लाइमेटिक लॉ दिया था। केमिकल सेफनर्स ऑल्सो नाउन एज ए हर्बिसाइड एंटीडोट। देन अपन बात करते हैं द लो प्रेशर एरिया नियर द इक्वेटर। जो इक्वेटर के पास में जो लो प्रेशर एरियाज होते हैं उनको डोल्ड्रम बोलते हैं। कम दाब वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको क्या बोला जाता है? डोल्ड्रम बोला जाता है। ट्राई एकंट्रोल इज अ ग्रोथ स्टिमुलेंट लीप्स ऑफ ल्यूशन ऑप्टेन फ्रॉम। जो ट्राई एकांटानोल है एक ग्रोथ स्टिमुलेंट है जो कहाँ से प्राप्त होता है अपने लिए? लीप्स ऑफ ल्यूशन से। टिलेज इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल बट रिड्यूस द बल्क डेंसिटी। देखो टिलेज करेंगे तो क्या होगा कि उसमें सॉइल में अपन इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है। कई बार क्या देखा गया कि अपन देखो फील्ड को जो खरीफ क्रॉप अपन बोते नहीं है तो उस टाइम पे अपन क्या कर देते हैं उसमें प्लाउ करके छोड़ देते हैं फील्ड को। प्लाउ करके छोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि देखो पानी उसमें गिरेगा और पानी ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल के अंदर इन्फिल्ट्रेट होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा, मतलब उसमें ज़्यादा अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए करते हैं कि अपन उसमें इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़े। लेकिन उस जिसके कारण क्या होती है? जो बल्क डेंसिटी है, मतलब डेंसिटी क्या होती है? घनत्व, घनत्व उसका घट जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बेटलैंड प्लाउ इज स्मॉलेस्ट ऑफ द वुडन प्लाउ। इट इज़ यूज्ड इन अ पडल्ड सॉइल एंड एफिशिएंसी इज 0.1 हेक्टर फॉर 8 आवर्स। द स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड बाय द रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। अपन देखो कोल्ड मतलब कोहरा छाया हुआ है, तो कोल्डर छाया हुआ है तो अपन कौन सी इरीगेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं जिससे अपन कोहरे से बचा जा सकें? तो इसमें स्प्रिंकलर जो इरीगेशन है मतलब, ठीक है, उसका प्रयोग करके अपन बच सकते हैं क्योंकि ये क्या करता है? लेटेंट हीट वो निकालता है। ठीक है, स्प्लिटिंग ओपन ऑफ अ पॉड और अ फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक मैनर इट अ मैच्योरिटी इज नाउन एज अ डेहिसेंट। मतलब पॉड्स ऑफ पल्सेस, जो डेहिसेंट मतलब फलियों का खुलना। कंटिन्यूस कंजप्शन ऑफ लेथायरस कॉजेज अ डिसीज नाउन एज अ लेथायरिज्म। इट इज अ ग्रेन कंटेंट BOA, बेंजो ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। वो कंटेंट लेथायरस में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है? तो वो पाया जाता है जो एक न्यूरोटॉक्सिन है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है? लेथायरिज्म हो जाता है। फर्टिलाइजर इज अ प्रेफर्ड टू ग्रो सक्सीडिंग क्रॉप्स इन अ ग्रीन मैन्योर सॉइल इज अ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। और एक और बात आप याद रखना कि जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको हमें अपन क्या करते हैं सीड फर्स्ट में ही बेस डोज पे ही दे देते हैं। ठीक है, जनरली क्रॉप्स को बार बार नहीं देते इसमें। इन कैटल कंज्यूमिंग ग्रासेस ऑफ लो मैग्नीशियम कंटेंट्स सफर फ्रॉम हाइपोमैग्नीशिया कॉमनली कॉल्ड एज अ ग्रास टिटेनी। अगर देखो अपन जो एनिमल्स को जो घास खिला रहे हैं अगर उसमें मैग्नीज की कमी होगी, ठीक है, मैग्नीशियम की अगर उसमें कमी है तो इसके कारण क्या होगा? हाइपोमैग्नीशियम। देखो हाइपो किसके लिए लगाया जाता है? कम के लिए, और हाइपर किसके लिए लगाया जाता है? ज़्यादा। तो हाइपोमैग्नीशियम मतलब कम मैग्नीशियम के कारण। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? ग्रास टिटेनी भी कहते हैं। ठीक है, वेदर इज ए स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर एट ए गिवन प्लेस एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो वेदर क्या है? बहुत कम समय के लिए किसी निश्चित स्थान पर, किसी पर्टिकुलर स्थान पर जो वातावरण ही है वो है अपने कंडीशंस, उसको बताता है वेदर। और क्लाइमेट क्या बताता है? बहुत लंबे समय तक बहुत बड़े क्षेत्र में जो कंडीशंस बन रही हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस उनको क्या क्लाइमेट के अंतर्गत अपन रिप्रेजेंट करते हैं। रिसेंटली साइंटिस्ट सेपरेटेड देन अपन बात करते हैं कि द टबैको कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट एक्साइज रेवेन्यू अमंग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन इंडिया। एक्साइज ड्यूटी सबसे ज़्यादा किस कौन सी कमोडिटी पर लगती है? एग्रीकल्चर की अपन देखें तो सबसे ज़्यादा एक्साइज रेवेन्यू लगता है किस पे? जो टबैको के ऊपर। इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव डेवलप्ड एंड ग्रो हाइब्रिड कॉटन कमर्शियली। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा हाइब्रिड कॉटन पहले भारत में बनाया था। ठीक है, जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है कॉफ़ी का? कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कर्नाटक। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्री ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द थर्ड पोजीशन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड। भारत तीसरे स्थान पर तंबाकू के उत्पादन में। अपन देन बात करें तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट जो PMA अपन बात करते हैं तो इज अ केमिकल यूज इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। जो PMA है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट किस लिए यूज़ किया जाता है? एंटी ट्रांसपेरेंट है जो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, ये किस तरह का ट्रांसपेरेंट है? तो ये है PMA अपना जो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का है। ठीक है, ज्वार इज अ नाउन इज अ कैमल क्रॉप या किंग ऑफ कोरस ग्रेन भी इसको बोला जाता है। ज्वार को क्या बोलते हैं? कैमल क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, रेगिस्तान का ऊँट मतलब ये उग जाता है। ठीक है, कंडीशंस में
इंडिया इज द सेकेंड कंट्री आफ्टर चाइना टू हैव कमर्शियलाइज द हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी। भारत चाइना के बाद दूसरी कंट्री है जिसमें हाइब्रिड राइस को कमर्शियली कल्टीवेशन किया गया था। HD 2329 वीट वैरायटी कंट्रीब्यूट मैक्सिमम प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया। जो HD 2329 वैरायटी है वीट की, उसने ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था उसमें, ठीक है। प्लांट रेक्टेंगुलरिटी इज प्लांट टू प्लांट डेंसिटी एंड रोड टू रोड डिस्टेंस। रेक्टेंगुलरिटी क्या होती है? प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रोड टू रोड डिस्टेंस, ठीक है। इन वाटर इरोजन 3 मीटर डीप, मोर देन 18 मीटर वाइड गली इज नाउन एज ए स्मॉल गली। जो 3 मीटर की डीप होगी और क्या होगी 18 मीटर से ज़्यादा चौड़ी होंगी, उनको क्या बोलेंगे? स्मॉल गली बोलेंगे। अगर 3 से 9 मीटर की गहराई है उनकी और अगर विड्थ है 18 मीटर और उससे ज़्यादा और साइड स्लोप है 8 से 4 मीटर इज नाउन एज ए मीडियम गली, इनको क्या बोलेंगे? मीडियम गली बोलेंगे। देन अपन बात करते हैं डायरेक्शन फ्रॉम विच इज द विंड आर कमिंग। तो जिस तरफ से विंड आ रही है उसको बोलेंगे विंडवर्ड और जिस तरफ जा रही है उसको क्या बोलेंगे? लीवर्ड द साइड। जिस तरफ से आ रही है मतलब इस तरफ से आ रही है तो उसको बोलेंगे विंडवर्ड एंड जिस तरफ जा रही है देन लीवर्ड। एग्रोनॉमिक मेजर्स यूज टू रिड्यूस इरोजन वेयर स्लोप लेस देन। देखो एग्रोनॉमिक मेजर्स कहाँ पर यूज़ करते हैं? वहाँ पर जहाँ पे कि जो स्लोप है वो 2% से कम स्लोप पाई जा रही है वहाँ पर अपन एग्रोनॉमिक मेजर्स जनरली करते हैं, जैसे कि इंटरक्रॉपिंग वगैरह कर ली, ये सारे जो ठीक है वो किसमें? एग्रोनॉमिक मेजर्स के अंतर्गत। अगर 2% से ज़्यादा होगी तो फिर आप एग्रोनॉमिक मेजर्स को यूज़ नहीं करते जनरली। बेंच टेरेसिंग यूजली प्रैक्टिस ऑन द स्लोप रेंज फ्रॉम 16 से लेकर 33%, मतलब 15% से ज़्यादा स्लोप होगी तो वहाँ पर बेंच टेरेसिंग यूज होगी। द हाइएस्ट अवार्ड प्रेजेंटेड टू एग्रीकल्चर साइंसिस्ट इन द कंट्री। भारत में कौन सा ऐसा अवार्ड है जो सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस है साइंटिस्टों के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट? तो रफ़ी अहमद किदवाई अवार्ड है। रफ़ी अहमद किदवाई अवार्ड एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग इन इंडिया वाज इनिशिएटिंग। एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग इन इंडिया वाज इनिशिएटिंग इन विच 5-ईयर प्लान। तो जो 7वां 5-ईयर प्लान था उसमें एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग की गई थी, ठीक है। कब? 1988 के टाइम पर। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन राइस फील्ड इज कैरिड आउट बाय द ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसके द्वारा राइस की फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है? तो है एजोला। द पैटर्न ऑफ प्लांटिंग इज अ मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन। कौन सी प्लांट पॉपुलेशन अपन जो पैटर्न यूज़ करें? देखो बहुत सारे पैटर्न होते हैं, स्क्वायर होता है, हेक्सागोनल होता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, ठीक है, क्यूबोडियल होता है। तो कौन सा पैटर्न है जिसमें मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन अपन एक पर्टिकुलर एरिया में अपन ग्रो कर सकते हैं? तो वो है क्यूबोडियल पैटर्न। अपन देन बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप्स विच हैव द डिफरेंट नेचुरल हैबिटेट एंड जीरो कॉम्पिटिशन इज नाउन। देखो अपन दो क्रॉप्स को एक साथ लगा रहे हैं तो दो क्रॉप एक दूसरे से बिल्कुल कंपटीशन नहीं दर्शा रहे हैं और उनमें 0% वो है, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स है। तो इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंट नेचुरल हैबिटेट हैबिट है उनकी, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? पैरेलल क्रॉपिंग बोलते हैं। पैरेलल क्रॉपिंग मतलब जीरो कॉम्पिटिशन अमंग द क्रॉप्स, बिटवीन द क्रॉप्स। द वैरायटी ऑफ वीट विच इज रेजिस्टेंट टू ऑल द 3 रस्ट। जो छोटी लार्वा है वो रेजिस्टेंट है 3 प्रकार की रस्ट के प्रति, और जो आगरा लोकल है वो सबके प्रति ससेप्टिबल है, तो उसका ब्रीडिंग में यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए। इन अ शुगर कैन टेकिंग ऑफ रटून क्रॉप्स इज एडवाइजेबल ओनली। देखो अपन रटून क्रॉप क्या लेते हैं, जैसे अपन ने एक बार शुगर कैन ले लिया तो उसको अपन काट लेंगे नीचे से और जो जड़ें बचेंगी उससे फिर अगली साल क्रॉप ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं रटून क्रॉप। तो जनरली एडवाइस किया जाता है कि एक साल ही रटून क्रॉप लें, अगर उसके बाद अपन लेंगे तो उसमें डिसीज इंसिडेंस ज़्यादा होगा और उसका प्रोडक्शन कम होगा, तो इसलिए अपन एक बार एडवाइस किया जाती है साइंटिस्टों के द्वारा रटून क्रॉप लेना, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ द 2 or more than 2 crops ऑफ द डिफरेंट हाइट्स साइमल्टेनियसली एज अ सर्टन पीस ऑफ लैंड इज इन अ सर्टन पीरियड इज कॉल्ड इज मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग। ये मल्टी लेवल क्रॉपिंग भी इसको बोलते हैं। देखो कैसे करते हैं इसमें कल्टीवेशन, पहले छोटा प्लांट लगाया फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, जैसे कि इस तरह की अपन वर्क करते हैं। तो मतलब उनकी हाइट में डिफरेंस होता है मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग्स। नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड फॉर द सीडलिंग ऑफ राइस इन 1 हेक्टेयर फील्ड कितना चाहिए? देखो 10% एरिया चाहिए जितना तुमको नर्सरी लगाना है। तो अगर अपने को 1 हेक्टेयर में लगाना है तो उसका 0.1 हेक्टेयर में अपन नर्सरी लगाएंगे राइस की। टिप बर्न ऑफ पेडीज ड्यू टू द रिड्यूस्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन। तो टिप बर्न किस कारण होता है? या तो ऑक्सीजन की कमी हो जाए और नाइट्रोजन की कमी अंडर द सबमर्ज्ड कंडीशंस। मेज लीफ डेवलप रेड एंड पर्पल कलर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ फॉस्फोरस की कमी के कारण जो मक्के की जो लीव्स हैं वो कैसी हो जाएंगी? रेड एंड पर्पल कलर की हो जाएंगी। द साइज ऑफ थॉमसन सीडलेस ग्रेप इंक्रीज बाय द हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थॉमसन सीडलेस जो वैरायटी ग्रेप की उसकी
वो बढ़ाने में काम करता है, लेंथ इलोंगेशन में मदद करता है। तो जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, सेल इलोंगेशन करता है, तो इसके कारण उसकी लंबाई बढ़ेगी। द साइज ऑफ थॉमसन सीडलेस ग्रेप इंक्रीज बाय द हार्मोन जिब्रेलिक एसिड, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, जो सेल इलोंगेशन करता है, जिसके कारण होगा। अब अपन पढ़ते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन, तो सारे एग्जाम से सेंटर ऑफ ओरिजिन से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो जनरली पूछा ही जाता है, ठीक है। बेबी लोब ने सबसे पहले 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए, ठीक है, 26 में। देन उसने फिर उसको 3 सेंटर ऑफ ओरिजिन डिवाइड कर दिए, और फिर एक और जोड़ दिया गया यूएसए करके, ठीक है। तो फिर होगा टोटल अभी 12 सेंटर ऑफ ओरिजिन है बेबी लोब के अकॉर्डिंग, और बेबी लोब ने लॉ ऑफ वो भी दिया, ठीक है। देन अपन बात करें तो मेजर क्रॉप्स एंड देयर ओरिजिन प्लेस, तो राइस का ओरिजिन कहाँ है, राइस का ओरिजिन इंडो बर्मा है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया। सुगर केन का कहाँ पेगा, सुगर केन का न्यू गुनिया। वीट का कहाँ पेगा, डब्ल्यू से वीट, डब्ल्यू से साउथ वेस्ट एशिया, टर्की है, उसमें कहाँ पे वीट का ओरिजिन हुआ। ग्राम का भी साउथ वेस्ट एशिया। मेज, मेज कहाँ पे, मैक्सिको, साउथ अमेरिका। टोबैको का कहाँ हुआ है, अमेरिका। ग्राउंडनट ब्राज़ील। मूंग का हुआ इंडिया में। पोटैटो का कहाँ हुआ है, साउथ अमेरिका। देखो पोटैटो और टोमेटो का दोनों कहाँ हुआ, पेरू। पेरू किस में आता है, साउथ अमेरिका के अंतर्गत आता है। देन अपन बात करें तो चाय की उत्पत्ति कहाँ हुई, चाइना में। सोयाबीन की उत्पत्ति चाइना में। मस्टर्ड की उत्पत्ति चाइना में। काउपी अफ्रीका में। कॉटन इंडिया में। ब्रिंजल इंडिया में। अरहर, अरहर का ओरिजिन पेनिनसुलर इंडिया है, और पेनिनसुलर इंडिया और अफ्रीका दोनों मान सकते हैं, लेकिन मुख्यतः पेनिनसुलर इंडिया मानते हैं। ये भी जीआरएफ में आ चुका है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा मिस्टेक दिए। देन ज्वार, अपन ज्वार और बाजरा का ओरिजिन कहाँ है, तो ये दोनों का ओरिजिन अफ्रीका में, ठीक है। देन अपन बात करें तो टर्म्स एंड रिलेटेड एग्रोनॉमिस्ट, जो एग्रोनॉमी से रिलेटेड टर्म है, इरीगेशन एग्रोनॉमी टर्म किसने दिए, डॉक्टर एन जी दस्ताने ने इरीगेशन एग्रोनॉमी। क्रॉपिंग सिस्टम किसने दिया, एस एस वेन्स ने क्या दिया, क्रॉपिंग सिस्टम। इरीगेशन इंजीनियरिंग माइकल, ठीक है, ए एम माइकल। स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, जो एस आर एन एफ होते हैं, मतलब जो बहुत कोटिंग वाले फर्टिलाइजर्स होते हैं, नीम कोटिंग वगैरह, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को स्लोली रिलीज करते हैं, जिसलिए तो इसके कारण वो क्रॉप्स को पर्टिकुलर पूरी जो उसका वेस्ट पीरियड है उसमें उसको ईजिली ग्रोथ कर सकती है, उसको नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी रहती है। तो ये किसने दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी बुक अपन पढ़ते हैं, ठीक है। सी आर आई इन वीट कितने दिन में आती है, 21 दिन में आती है। ये किसने दिया, डॉक्टर वी एल भारद्वाज जी ने दिए। देन अपन बात करते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट किसने दिया, निकोलस अपार्टे ने दिया 1963 में। एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अर्नोन एंड स्टुअर्ट ने 1939, रिफाइंडेड बाय अर्नोन एंड 1954। पहले दिए दोनों अर्नोन एंड स्टुअर्ट ने 1939 में, देन उसको अर्नोन ने फिर उसको क्या किया, मॉडिफाइड किया था 1954 में, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो एग्रो बायोलॉजी, विलकॉक्स ने दी। आई डब्ल्यू डिवाइड बाय सी पी ई रेशियो किसने दिया, परिहार ने, परिहार एट ऑल 1974। ट्रांसप्लांटिंग इन पर्ल मिलेट गौतम ने दिया। कोफिशियंट ऑफ इफेक्टिवनेस नीची प्रोविच 1950। देन अपन बात करें तो हाइब्रिड राइस, हाइब्रिड राइस किसने बताया था, डॉक्टर सी टी पटेल ने। गुजरात की जो सूरत स्टेशन है वहाँ पे फर्स्ट हाइब्रिड है, वर्ल्ड लेवल पर अपन देखें तो इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने हाइब्रिड राइस बनाया था, ठीक है। हाइब्रिड H4 का मतलब होता है हाइब्रिड 4, ठीक है, कॉटन में बनाया था 1970 के टाइम पे। तो ये है अपना गुजरात 67 का N2 अपन ने अमेरिकन नेक्टरलेस के साथ अपन ने क्रॉस करवाया था, तो तब बना था ये, इसका वो पेरेंट भी पूछ लेते हैं। तो जया क्या है, फर्स्ट इंडियन वैरायटी ऑफ राइस। जया क्या है, फर्स्ट इंडियन वैरायटी ऑफ राइस। जया को क्या बोलते हैं, इंडियन मिरेकल राइस बोलते हैं, और IR8 को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड की मिरेकल राइस बोलते हैं। तो जया क्या है, डॉक्टर शास्त्री ने बनाई थी। देन अपन बात करें तो लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ मिनिमम दिया था जस्टिस वॉन लेवक 1840 में। देन अपन बात करें तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स किसने दिया था, सीमाकार्य सिद्धांत ब्लैकमैन ने दिया था। इंक्रीज यील्ड एंड लॉ, नाइट्रोजन कंटेंट किसने दिया था, विलकॉक्स ने दिया था। लीफ एरिया इंडेक्स किसने दिया था, वॉटसन ने दिया था। लीफ एरिया इंडेक्स वॉटसन ने 1947 में। अपन बात करें तो न्यूट्रिएंट मोबिलिटी, ब्राइज, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कंसेप्ट किसने दिया था, ब्राइज ने दिया था। ए वैल्यू कंसेप्ट किसने दिया था, डीन एंड फ्रेंड ने दिया था फॉर फॉस्फोरस के लिए। देन अपन बात करें तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसने दिया था, डोनाल्ड ने दिया था। डोनाल्ड ने क्या दिया था, इसके साथ इडियोटाइप ब्रीडिंग भी इसी ने दी थी, डोनाल्ड ने, इडियोटाइप। देन अपन बात करें तो फोटो पीरियडिज्म कंसेप्ट किसने दिया था, ये दिया था गार्डनर एंड एलार्ड ने तंबाकू में, पेपर्ड लीमोथ शायद उसकी वेराइटी थी। देन अपन बात करें तो थर्मो पीरियडिज्म एफ वेंट ने दिया था। वर्नलाइजेशन किसने दिया था, लाइन्स को ने दी थी टर्म। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक किसने दी थी, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक जो टर्म थी वो दी थी वॉक्समैन ने दी थी एंटीबायोटिक्स टर्म। इसमें तो
ये लिखा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वॉक्समैन ने दी थी, खोजा था किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो टर्म दी थी वो वॉक्समैन ने दी थी, इसीलिए उसको भी स्ट्रेप्टोमाइसिन की भी डिस्कवरी उन्हीं ने की थी। जब अपन बात करें तो बेसिलस रेडिकोला, अब जिसको राइजोबियम बोलते हैं, ये विजरेंकिया ने खोजा था, ठीक है। अपन बात करें तो रॉथमस्टर्ड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन, तो ये किसने स्टार्ट किया था, जे वी लाउस एंड जे एच गिलवर्ट ने 1843 के टाइम पर, ठीक है। जब अपन बात करें तो फाउंडर्स एंड फादर्स ऑफ डिफरेंट फील्ड, फादर ऑफ फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट वॉशिंगगॉल्ट, वॉशिंगगॉल्ट कहते हैं फादर ऑफ फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट। जब अपन बात करें तो पेडोलॉजी डाकुचेव, जब अपन बात करें तो गोल्डन रिवॉल्यूशन के एल चड्डा है, टिलेज फादर ऑफ टिलेज एंड वीट साइंस, जेथ्रो टूल है फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग, टर्ग हैं। देन अपन बात करें तो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, बिनोग्रेडस की कुछ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी को फादर कहा जाता है, फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री फादर कौन है, जस्टिस वॉन लेवाग, ये अपन ने पढ़ लिया। देन नेक्स्ट वीडियो अपन जो एग्रोनॉमी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, इससे आने वाली जो सारी वीडियोज़ हैं वो आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाए। सो थैंक यू सो मच, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आप इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है, बार बार रिवाइज करें और हो सके तो। थैंक यू।